हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुन्ना 609। तो आज थंबनेल और टाइटल देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं पोहाड़े बुद्धिस्त लेनी। ये बहुत ही प्राचीन और पुराने ज़माने की एक जगह है। वहाँ पे जो पांच पांडव बोलते हैं, पांडव रहते थे, वो वहाँ पे है। तो वहाँ पे आज हम जा रहे हैं। और मुझे वहाँ पे मैं एक या दो बार गया था पांडवलिनी को, तो बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। पूरा चारों बाजू वहाँ पे सिर्फ शांति रहती है कुछ। तो चलो अब हम जा रहे हैं पांडवलिनी के लिए। आपको पूरे वीडियो में मैं दिखाऊंगा वहाँ का लोकेशन, आजू बाजू का जो व्यू है वो मैं पूरा आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहो। चैनल पे नए हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि मेरे नए नए ब्लॉग अपलोड होते रहेंगे तो आपको दिखता रहेगा। तो अभी हम जा रहे हैं पोहाड़े बुद्धिस्त लेनी। तो पोहाड़े लेनी आ चुके हैं। तो अब हम चलते चलते जा रहे हैं नीचे, तो आपको दिखाऊंगा। तो ये दोनों फोटो शूट कर रहे थे, तो देखेंगे आगे जाएंगे। तो थोड़ा आएगा कुठले तळ गाडी के लिए घेतला ना घेतली की इथं पाच पांडव जाया महादेवच्या मंदिराला पाया पड्या अशा 5 मिनिट आणि व्यवस्थित महादेवचं मंदिर बना ना खाली ते येदगड हरेरगड मध्ये आहे बघ। हां डांबी मय हां असं मंदिर आहे। आपण पण गेल्या वेळी आलतो ना, तू मी आणि कोण कोण होते किती आद्या बनवतो ना देवी तो अब हम पांडव लेनी के पास आ चुके हैं। तो आगे रास्ता है थोड़ा, तो हम ऊपर, तो आपको आगे का व्यूज में दिखाता हूँ। तो ऊपर हम आ चुके हैं, तो आगे जा रहे हैं मंदिर देखने। तो चलने के बाद तो हमें मिल गया है की एक खासियत है कि वो ऊपर से जब पानी नीचे पड़ता है तो यहाँ पे जमा होता है। तो मेरे पीछे जो है वो पूरी पांडव लेनी है, तो हमने वो पूरी देख ली। और आगे का पीछे का जहाँ पे जितना इतना व्यू है वो पूरा हमने देख लिया, जो पहले के ज़माने से है वो पूरा हमने देख लिया। तो अब हम आगे जा रहे हैं, आगे और कुछ देखने को मिलेगा तो वो भी देखेंगे। और आगे का व्यू भी बहुत ही अच्छा है, मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो यहाँ पर जो प्राचीन लोग थे उन्होंने ये स्थापित किया था, इसलिए बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल जगह है। तो मैं बहुत बार आया हूँ पर आपको दिखाना था, इसलिए मुझे आज आया हूँ मैं। तो बहुत ही अच्छी और स्पेशल मस्त जगह है। तो मैंने देखी, आप भी देखो, ये देखो पीछे पर्वत है, बहुत ही अच्छा व्यू आता है इधर। मसाला
तो इन दोनों को नाश्ता करना है, इसे भी नाश्ता करना है। ये आया है इधर नाश्ता करने के लिए। इस दोनों को भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया इन्होंने, तो ये नाश्ता करने वाले हैं। तो अभी ज्योतिबा टेंपल में हम आए हैं दर्शन के लिए, तो अब हम बाहर जा रहे हैं। तो अंदर का जो और मैंने व्यू ले लिया है, तो आप बाहर जा रहे हैं, देखेंगे बाहर और क्या मिलता है। बाहर लगता है मिसल पाव। तो हम घर आ चुके हैं, तो पांच पांडव लेनी वो देखने के बाद हम फिर से गए थे ज्योतिबा टेंपल। तो वहाँ पे दर्शन लेने के बाद हमने थोड़ा नाश्ता किया, थोड़ा और जगह घूमे, तो आ गए हैं हम आप घर, क्योंकि 6:30 बज तो गए हैं, 6:30 बज गए, इसलिए हमने बहुत रात हो रही थी, तो इसलिए हम घर आ चुके हैं। तो मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ, तो आप व्लॉग पूरा देखना, लास्ट तक देखना। पसंद आया होगा तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट में बताना कि आपका कौन सा फेवरेट पार्ट है, और चैनल को मेरे लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, और लास्ट तक ब्लॉग पूरा देखो।